हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आया दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि अपन थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का जो अभी 31 तारीख को अभी नया नोटिस आया, तो न्यू नोटिस देखिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। कोई भी नोटिस आएगा यूपी पुलिस से रिलेटेड, कोई भी नोटिस आता है, यदि नया नोटिस आता है उसमें क्या जानकारी दी जाती है तो सबसे पहले हम यूट्यूब चैनल पर अपने डालते हैं। तो इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए कोई भी यूपी पुलिस से आपसे एक भी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। देखिए यदि आपको छूट भी जाती है एक भी जानकारी तो आप घाटे में हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। आपके एग्जाम से रिलेटेड यदि आपका देखिए रेस नहीं हुई है, ठीक है ना, अब देखो रेस नहीं हुई है, जिन स्टूडेंट की रेस नहीं हुई है, जो हमने देखिए 28 तारीख को और 29 तारीख को उन्होंने बुलाया था, 28 तारीख की जो महिलाएं हैं उनके ताई 1 जनवरी को बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी को आ जाना भाई, रेस लगाने कल आ जाना, जो स्टूडेंट नहीं निकाल पाई। अब जिसकी 29 तारीख को और 30 तारीख को रेस लगी है और 31, 30, 31, 19, 30, 31 तारीख को लगी है, मतलब लगी है, ठीक है ना, अब तक लगी है, 30 तारीख तक लगी है। तो मतलब 28, 29 और 30 को जो फीमेल वालों की लगी है, सॉरी मेल वालों की लगी है, मेल वालों की लगी है 29, 30 को, और फीमेल वालों की लगी है 28 को। 28 को 1 जनवरी को बुलाया गया है। जिन जो महिलाएं जो रह गई हैं रेस लगाने के लिए, किसी कारणवश ग्राउंड में नहीं पहुंच पाई थी, उनको लेट हो गई थी, तो उन्होंने क्या है उनके लिए 1 तारीख को बुलाया गया है, 1 जनवरी को, ठीक है ना। अब देखो 29 और 30 तारीख जो मतलब कि 2 दिन लगातार छूट गए हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ जाओगे। वो क्या है, वो 2 जनवरी को बुलाया गया है। देखिए 29 और 30 तारीख के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 जनवरी को उन्होंने बुलाया कि आप 8 बजे वहाँ ग्राउंड में पहुँच जाइए रेस लगाने के लिए। जो स्टूडेंट किसी कारणवश वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाए 29 तारीख और 30 तारीख को, जिनका जो टाइमिंग था एडमिट कार्ड आया हुआ था कि उनकी रेस 28 वो 29 और 30 तारीख को हो गई, वो स्टूडेंट नहीं पहुँच पाए, ठीक है ना, रेस लगाने बस छूट गई उनकी, तो उनके लिए उन्होंने मतलब कि 2 जनवरी को बुलाया कि आप 2 जनवरी को 8 बजे जो आपका सेंटर था जहाँ भी बुलाया गया था आप वहाँ पहुँच जाइए, हम आपकी रेस लगवा देंगे, बस ये उन्होंने कहा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी आपकी बदलाव किया गया यूपी बोर्ड इसके लिए, जो आपका परीक्षा बोर्ड ने उन्होंने किया है, ठीक है ना, एग्जाम बोर्ड ने। तो यहाँ देखिए खुद कह रहा है वो जो आपकी सुरक्षाओं के लिए जो क्या है 27 और 12 एवं देखिए 30 के क्रम सूचित किया जाता है कि सड़क से, और जिसमें मतलब सिविल पुलिस कहा जाता है और PSC कहा जाता है, ठीक है ना। कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 में की गई थी, उसके अंतर्गत 28 देखिए कह रहा है 29, 12, 2030 29 और 30 दिसंबर को क्या हुआ, आयोजित की गई शारीरिक पक्ष, यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा का, परीक्षा का मतलब होता है रनिंग, ठीक है ना, आपकी रेस लगाने का। उनको अभिकारों को जिन पुरुषों को अभ्यर्थियों या जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं, जिसकी मेल की बात की जा रही है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए परीक्षा देशन जो दक्षता परीक्षा है, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे रनिंग कहा जाता है, रनिंग लग रही है, आपकी रेस लगेगी, उनकी कार्यवाही संपन्न नहीं हो पाए, किसी कारणवश क्या है कोई कार्यवाही संपन्न हुए, वो ऐसे पुरुषों को जो निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित थे, उन्होंने कहा कि 29 तारीख और 30 तारीख को वहाँ पहुँचना था लेकिन वो क्या हुए अनुपस्थित रहे वहाँ, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या है उन्हें समस्त पुरुष विद्यार्थियों को शारीरिक दक्षता, उन्होंने कहा जो जो छूट गए हैं वो 30 तारीख को, सॉरी जो मतलब कि 29 और 30 तारीख को छूट गए हैं वो 2 जनवरी को अपनी रेस लगा सकते हैं यदि वो वहाँ अनुपस्थित थे 29 और 30 तारीख को, ठीक है ना। तो अपने और उन्हें पहुंचने का जो समय बताया गया वो 8 बजे बताया गया है, 8 बजे आप वो भटक वहाँ से पहुंच जाएं, और यहाँ उसके बाद में कहा है कि 2/1/2020 वो शारीरिक दक्षता कि बुलाए गए अभ्यर्थियों के लिए इतने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा है हमने किस किस को बुलाया गया है 2 तारीख को और 3 तारीख को, ठीक है ना, 2 तारीख को जो 2 तारीख को जो भी बुलाया गया और 1 तारीख को जिसने भी बुलाया, तो उसका क्या है देखिए उनके लिए उन्होंने पूरी लिस्ट दे दिया कि इतने इतने बच्चे जो रह गए वो फटाक से 1 तारीख को 2 तारीख को आ जाएँ, और जो महिलाएँ हैं वो 1 तारीख को आ जाएँ, ठीक है ना, फीमेल वाले 1 तारीख को आ जाएँ और मेल वाले 2 तारीख को आ जाएँ, ये जानकारी दी गई है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई भी यहाँ से जो भी न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पड़ती है, ठीक है ना। और रेस कैसे देखिए रनिंग कैसे लगानी चाहिए उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो देख लीजिए। और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है जिसका भी डाउनलोड करना चाहता है, ठीक है, डाउनलोड नहीं है वो, एडमिट कार्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर, थैंक यू।